तो हजरतगंज का आनंद ले रहे हैं। थोड़ा आवाज़ कम आ सकती है क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। हाँ, मैंने कहा बहुत दिनों के गंज नहीं गया ना, कई सालों से आया नहीं था। असल में वो जब मेट्रो बन रही थी तो मैंने बाना बंद कर दिया था, तो मेट्रो की पुरानी रौनक भी लौट आई है। और कम से कम हम मैं और मेरे मित्र राजेश जी हैं और आनंद ले रहे हैं गंज में रिक्शे का। रिक्शे का भी एक अलग आनंद है, जैसे धीरे धीरे ज़िंदगी का एक अलग आनंद होता है, इसमें कोई दोराय नहीं। और तेज़ तेज़ ज़िंदगी का भी एक अलग आनंद होता है। अब पता नहीं कौन सी ठीक है, ये पता आज तक नहीं चल पाया। ज़िंदगी भर यही पता लगाते रह गए ज़िंदगी सारी बीत गई। चलिए थोड़ा घूम के जाते हैं उधर। इधर से हम आ गए हैं वाजपेयी कचौड़ी और शुक्ला चाट वाले के पास में। सोचा आज सुबह ही वीडियो देखे थी यूट्यूब में, कोई शुक्ला चाट वाला भी इधर ही कोई है। वाजपेयी कचौड़ी वाले के यहाँ तक हमने कहा रिक्शा ही कर लिया जाए, चाहे बजरंग बली में से। हा 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 हा, ये सेंट फ्रांसिस वाला रोड है, इसको लेकर के आप आ सकते हैं। ये शुक्ला चाट हाउस है, अभी अभी टिक्की खाई है, दोबारा नहीं खा पाएंगे तो ये आज मौसम का पूरा आनंद हम लोग ले रहे हैं। आप थोड़ा वाजपेयी कचौड़ी खा लें और हाँ थोड़ा कहाँ गया इधर, ये है बंद है क्या, खुला है कि बंद है? वह ओ कोई बात नहीं, ये लो भैया जी जी, संडे को बंद रहता हूँ, संडे को बंद रहता। अरे इसको खाने के लिए तो मैं वहाँ से आया था। ओह आज ये बंद है। ये बड़े दुख की बात है कि वाजपेयी कचौड़ी भंडार बंद है। अरे जोमेटो में भी मिल रहा है ये आज बंद है। मैं क्या बताऊँ, मैं कितना दुखी हो गया हूँ।